टीएमसी ने 4200 कैंडिडेट की घोषणा कर दी, टीएमसी ने इंडिया अलायंस का चौपट कर दिया, टीएमसी ने रामनवमी की छुट्टी भी घोषणा कर दी। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 12 साल राज करने के बाद रामनवमी की याद आ जाए मैडम? हैं, लात मारने वाली गाय को बर्दाश्त करने वाली मैडम को 12 साल से रामनवमी भुला गया था, आज याद आ गया है। ये हुंकार है, संदेश खाली की हुंकार है जो कानों में गूंज रही है। ये डर है कि 65% बंगाल की जनता उनको नकार देगी और ये झूलेंगी लात मारने वाली गाय के, दुधारू गाय के पैरों में, और उन्हीं के भरोसे रहेंगी। टीएमसी खाली हो चुकी है। अधीर रंजन चौधरी को चिंता हो गई है उनके खिलाफ जब से यूसुफ पठान के नाम हुआ। वो तो स्वाभाविक है, दोनों अल्पसंख्यक वोटों के सहारे वहाँ पे लड़ने के लिए मैदान में हैं, तो उनकी चिंता तो स्वाभाविक होगी। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी का ये याराना तो बहुत पुराना है। कांग्रेस बोलती है जरा प्रेशर, क्या प्रेशर था कि उनको 42 की घोषणा करनी पड़ गई? कांग्रेस से एलर्जी है, कांग्रेस को ये भी नहीं समझ में आती है कि सबको कांग्रेस से एलर्जी है। ममता को तो सबसे ज़्यादा एलर्जी है, राहुल गांधी जैसे नायाब दुर्लभ आदमी को कोई जल्दी बर्दाश्त थोड़ी ना कर पाएगा। बीजेपी कहती है कि जब लिस्ट अनाउंस हो रहा था उसके आधे घंटे पहले अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे कि बीजेपी एंटी बंगाली है, तो जरा बताए यूसुफ पठान कहाँ से बोल रहे थे? यूसुफ पठान तो गए गुजरात से उठ के, बीजेपी एंटी बंगाली। अरे एंटी बंगाली तो ये लोग हैं, ये लोग एंटी बंगाली हैं, ये एंटी नेशनल हैं, ये सिर्फ प्रो बांग्लादेशी हैं, प्रो रोहिंग्या हैं, तो उन्हीं के बदौलत ये चुनाव में लड़ रहे हैं। तभी ममता बनर्जी ने आज कहा कि मैं आधार कार्ड बनना बंद नहीं करूंगी, मैं वोटर आईडी कार्ड बनवाना बंद नहीं करूंगी। किसका आधार है, किसका वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है ममता जी, जरा ये तो बताइए। अवैध घुसपैठियों का, मैं एनआरसी नहीं लागू होने दूंगी, आपकी मजाल है। प्रधानमंत्री आजमगढ़ में थे, उन्होंने कहा कि एक और मैं मोदी की गारंटी यहाँ दे रहा हूँ, उन्होंने एयरपोर्ट पर किया और बोले आजमगढ़ पहले अनजानगढ़ से की तरह लगता था, अब तो आजमगढ़ को लोग जानेंगे। आजमगढ़ अब आजन्म मोदी का गढ़ रहेगा, अब मोदी की गारंटी, गारंटी पूरा करने की गारंटी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अराजकता के दौर से निकल के विकास की ऊंचाइयों पर छुएगा आजमगढ़। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा, आजमगढ़ के लोग मान रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की किस्मत प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी ने बदल दी। कुरुक्षेत्र में गए थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि लोगों से इस बार गलती मत कीजिएगा प्रधानमंत्री चुनने। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र की जनता तो गिरगिट को देख के समझ गई है कि गिरगिट रंग बदलने यहाँ आ गया। अब ये दिल्ली की जनता भी समझ रही है कि गिरगिट फिर रंग बदल रहा है, इसलिए इस बार सही में गलती नहीं होगी। इस बार इनका पैकअप तय है और दिल्ली में विधानसभा में पैकअप तय है 6 महीने बाद। अखिलेश यादव बोलते हैं कि जिस एयरपोर्ट को उद्घाटन कर रहे हैं तो नेताजी का सपना, तो नेताजी का सपना तो पूरा कर नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री। अखिलेश ने तो नेताजी के सपना को पूरा नहीं किया, बल्कि नेताजी को ही पार्टी से निकाल दिया था, याद है ना, कि भूल गए? बड़ी नेताजी की याद आ रही है। 4 दिन की सीबीआई कस्टडी एयरपोर्ट ने शेख शाहजहां को। देखिए, शेख शाहजहां जैसे कितने शेख बंगाल में भी घूम रहे हैं और कितने संदेश खाली हैं बंगाल में, ये बंगाल की जनता जानती है। त्रस्त है बंगाल की जनता, त्राहिमाम है बंगाल की जनता, इसलिए विरोध फूट रहा है और ये विरोध बढ़ता चला जाएगा। एक बार जान जाइए, जब जनता रोड पर उतर जाती है ना तो क्रांति आती है, बंगाल में क्रांति आने वाली है। क्लोज एयर ऑफ लालू यादव, सुभाष यादव की एफटीओ एयरप्लेन पर सैंड माफिया। सुभाष यादव को तो सबको ही जानते थे कि लालू परिवार से सबसे नज़दीकी है। राबड़ी देवी के 3 फ्लैट एक बार में सुभाष यादव ने खरीदे थे। आरजेडी से चतरा के लोकसभा टिकट पर चुनाव लड़ा था सुभाष यादव, इस बार भी तैयारी थी। बालू माफिया, दारू माफिया, नकल माफिया, ये सब का फैक्ट्री है भाई लालू परिवार, इसमें कौन सा अचंभा वाला बात है? ये सब नहीं करेंगे तो लालू परिवार की पहचान ही खत्म हो जाएगी। प्रहलाद जोशी कहते हैं कि जो लोग पहले जय श्री राम का नारा लगाते थे उनको जो लोग अंदर डालते थे, रामनवमी की छुट्टी दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जय श्री राम तो हमारे मन में, हर भारतीय के मन में बसा हुआ है और हमेशा बसा रहेगा, लेकिन जय श्री राम से नफरत करने वाले लोग जितने थे उनकी भी आज रूहें काँप रही हैं, आवाज़ हकला रही है, हम मजबूर हो रहे हैं जय श्री राम बोलने के लिए।